बड़ा मोबाइल से आएगा यार, आप बड़े मोबाइल से वीडियो बनाओ। तो बड़ा मोबाइल नहीं आपके पास? बड़ा मोबाइल नहीं, छोटा हमारे पास नहीं है। रोटी का पैसा नहीं बनते, पाकिस्तान है, पाकिस्तान है। तो बड़ा मोबाइल लो तो हमारा चैनल देखोगे ना। पैसा नहीं हमारे पास। मंडी के अंदर गुस्से जो है ना, बदबू आना शुरू हो चुकी है। और हम अभी सब्जियों की कीमतें लेते हैं, प्राइस लेते हैं, फिर आपको भी बताते हैं कि क्या सूरत हाल है। और यहाँ पर जो है ना, दबड़ दबड़ लगी हुई है। ओए होए, क्या बदबू आ रही है यार, क्या उफ अल्लाह, किस मुसीबत में फंस गए यार। चलो मोटरसाइकिल खड़ी करते हैं और कीमतें पता करते हैं कि क्या प्राइस चल रही है सब्जियों की। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आ चुका हूँ। अभी मैंने यहाँ से स्टार्ट लिया था और अब हम मंडी के अंदर मौजूद हैं और यहाँ से हम कीमतों का पता करेंगे कि क्या कीमतें चल रही हैं मंडी में। भाई क्या क्या हिसाब है ये भाई बताएगा। कैसा भाई है? 300 रुपए किलो। 300 रुपए? 300 रुपए किलो। हाँ जी। अच्छा किलो का हिसाब है? हाँ जी, ये किलो का है। दर्जन दर्जन का नहीं है? नहीं, दर्जन का नहीं है ये। दर्जन का नहीं है, किलो का है। 300 रुपए किलो। ओहो, ये पुदीना भी है। पुदीना कैसा है? पुदीना 300 रुपए 40। 300 रुपए की 40? 40। 300 रुपए की 40, 10 रुपए की, 10 रुपए की एक पड़ेगी भाई गड्डी। मिर्चे विर्चे सब कुछ पड़ा हुआ है। और आगे की तरफ चलेंगे हम, ये देखें खरीदारी कर रहे हैं। ये देखें पुदीना, ये गाय भैंसों के लिए लेके जा रहे हैं। ये गाय भैंसों के लिए लेके जा रहे हो ना? जी, गाय भैंसों के लिए। गाय भैंसे अपनी है? यही अपनी है, अपनी गाय भैंसे हैं और अपना ही सब कुछ है तो लेके जा रहे हैं। मंडी में बहुत बुरा हाल हुआ हुआ है बारिश की वजह से। और पुदीना वदीना मिल रहा है, मिर्चियों का हिसाब पता करते हैं। अस्सी रुपए किलो है ये मिर्चे। और आज के जो रेट हैं वो 80 रुपए किलो हैं। ये बंद गोभी, बंद गोभी की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? अब ये क्या हिसाब चल रही है? 500 रुपए की किलो जो ले सके। अच्छा, इसमें ज्यादा पत्ते उतरे में? इसका नहीं उतारेगा तो इसके साथ काम कर सके। अच्छा, सफाई सफाई कर रहे हो? ये हो रही है सफाई इसकी, बंद गोभी की। अच्छा, ये तैयार है? ये तैयार हो गया, तैयार हो गया। यहाँ से निकाल रहे हैं और इसके फ्रंट के ऊपर के पत्ते जो है ना, जो गंद वाले हैं, वो निकाल रहे हैं और इसको साफ कर रहे हैं। 200 रुपए 200 रुपए आगे चलो, आगे चलो दोस्तों। अदरक के रेट लेते हैं। और अदरक भी है, नींबू भी है, लहसुन भी है। वालेकुम सलाम। अच्छा, ये क्या हिसाब है? ये अदरक 530 रुपए किलो है। कहाँ का है? ये चाइना वाले है। चाइना वाला। और ये नींबू 300। हाँ, ये कहाँ का है? ये तो देसी नींबू है अपना, पाकिस्तानी है। देसी है, 300 रुपए का किलो। हाँ, जबरदस्त हो गया। और देसी अदरक भी है 520 रुपए किलो का। अदरक कौन सा है? देसी अदरक उपड़ी है। देसी अदरक है? हाँ हाँ, 520 रुपए किलो है। 520 रुपए का देसी अदरक है ये, 520 का, 520 का। अच्छा, वो कहाँ गया देसी लहसुन? किधर है?
देसी लहसुन अच्छा वाला पड़ा हुआ 300 रुपए किलो है, माल अच्छा है। 300 रुपए किलो? हाँ अच्छा माल है। अच्छा माल है हाँ। 300 रुपए किलो? हाँ देसी लहसुन है, माल लहसुन अच्छा है। अच्छा लहसुन 300 रुपए किलो हो गया, और नींबू जो है ना 300 रुपए किलो हो गया, और चाइना लहसुन बड़ा हुआ है वो थोड़ा महंगा है। नहीं ये बेकार है, देसी लहसुन अच्छा। ये देसी वाला जो उतरा हुआ कौन सा चिला हुआ? हाँ। ये 400 का है। 400 का है? हाँ हाँ ये 400 का। अभी हम इंटरव्यू और आगे चलते हैं, देखते हैं क्या रेट चल रहा है मंडी में। शेयर में तो बहुत जुलम, तो उधर क्या करें, इधर तो सस्ता है उधर बहुत महंगा देता है। अस्सलाम वालेकुम लाला, क्या हाल है? अल्लाह रब्बुल इज्जत के एहसान है, शुक्र है। अच्छा क्या हिसाब है ये? 160 170 छोटा वाला 120 130 हाँ। ये मंडी का रेट चढ़ेगा उतरे में? मंडी का बदर महीना है, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी माल कम आ जाता है महंगा हो जाता है, कभी ज्यादा आ जाता है सस्ता हो जाता है। हाँ ये मंडी के सारे यही हिसाब है। ये है अदरक, देसी अदरक है ये, ठीक है, इसको बोलते हैं देसी अदरक, फार्मी अदरक, यानी के ये तो चाइना का होगा, यहाँ किसी और कंट्री का होगा। टमाटर भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं आपको। साढ़े 300 रुपये का चाइना का है। और आगे चलते हैं, टमाटर के यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है ना पेटियाँ पड़ी हुई हैं। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा ये क्या पेटी का क्या हिसाब चल रहा है? पेटी तो मुख्तलिफ होते हैं इसमें। हाँ कितना वजन होगा अंदाजन? 14-15 किलो वजन होते हैं। कितने की होगी पेटी? पेटी ये तो किलो के हिसाब से मिल रहे हैं। अच्छा? 160 रुपए किलो, 160 रुपए किलो। और पेटी 2000 तक 2100 तक है। ये चल रहे ये मास्टर आई यूट्यूब चैनल चल रहा है। और आगे चलते हैं। एक मिनट आया यार, लाला चाय क्या हिसाब चल रही है आजकल? चाय 50 रुपए की। 50 रुपए की? 220 रुपए किलो है भाई। महंगाई की बहुत तेजी हो रही है भाई। तेजी हो रही है बहुत। पराठा कितने का है? पराठा 40 रुपए का भाई। आप बंद पेटी चलते नहीं, कोला टमाटर चलते किधर? इधर कोला भी बेच रहे हो, बंद पेटी भी बेच रहे। आपके पास कौन सा चाय? कौन सा आपके पास? मेरा पास कोला वाला भी पड़ा होता है, बंद पेटी भी पड़ा होता है। 120 का किलो है भाई। 120 रुपए का किलो ऐसा ही है ना? नहीं 160 से शुरू होता है। वो 120 बोल रहा है वो? नहीं वो बोलते हैं इसमें 10 वाले भी है किलो, 10 का भी किलो, 160 का भी है। होए 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 होए, कौन सा सफेद आलू है? सफेद आलू कैसा है? 80-75 रुपए से चला। 70 रुपए गीले की हुआ है? ये स्टोर आलू है ना? ये स्टोर का ये सुधाएंगे इसे। आओ और ये कहाँ किस इलाके का आलू है? पंजाब। पंजाब का? और ये बोरियों में क्या रखा हुआ है? ये प्याज है। प्याज 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 130 और वो चलाते 120। 120 रुपए कम से कम कितना आलू ले सकते हैं? कौन कस्टमर जो आते हैं? बस 50 किलो ऐसा, 100 किलो। 100 किलो तो दुकानदार लेते होंगे ना? 2 किलो तो लेने के लिए मिल जाता है। सही। और आगे की तरफ चले, और आगे चलो और देखते हैं। लहसुन 300 रुपए किलो, वो देसी 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 वाला ना 300 रुपए, 450 रुपए किलो। 300 रुपए बोल रहे हैं? वही से 300 को कौन दे रहा? वो पीछे बोल रहा था। कौन बोल रहे? पीछे भी जूर अच्छा क्वालिटी है ना? अच्छा क्वालिटी अच्छा लहसुन है जो साबत है। हाँ। जो साबत लहसुन है वो 400 रुपए किलो। अच्छा। जो साबत है वो 450 रुपए किलो, जो छिला हुए वो 300 से 400 तक। तो जो मुझे 300 बताया वो
कौन सा तीसरा? वो तीसरा वो बेकार होते है ना, उसमें स्मेल करते वो तो काम करने होते है ना। अच्छा एक नंबर जब कुलूटे होते। अच्छा अच्छा अच्छा, 400-450 होगा। अच्छा अच्छा, जबरदस्त हो गया काम, समझ गया जो वो। अच्छे वाले की जरा पहचान बताओ कौन सी है। अच्छा वाला कौन पहचान बताओ जरा, कौन सी पहचान होती है अभी? अच्छा वाली ये लहसुन है, याद रखे अभी ये भी सही है, ये लहसुन भी सही है। अभी ये लहसुन सूखे आप देखो, ये चपकते हैं नहीं, इसको देखो ये नहीं चपकते, सूखा लहसुन है। इसमें एक आते वो चपकते हैं, जो पानी वाला होते है ना, फिर वो सस्ते है, अच्छा से होते हैं, 380-400 तक होते हैं, समझ गए। अदरक है, अदरक कम से कम 550-600 रुपए तक है। हाँ ये वाला लहसुन जो है ना, ये 450 रुपए तक है। अच्छा वाला, हाँ अच्छा वाला। ये तो चाइना का है। कौन सा? ये वाला। ये भी चाइना के, मगर ये जो बीच है ना वो बीच चाइना के, ये पाकिस्तान में लगा हुआ है इसका। जबरदस्त, ओहो प्याज जबरदस्त यार। लाला अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या प्याज कैसा है? प्याज 120 का जबरदस्त हो गया। ये सारे 120 या बड़ा 120 और छोटा? ये 70 के, ये सी के, वो भी 120 के, ये भी 120 के। देख लिया आपने। लाला मिर्चे क्या हिसाब है? 100 रुपए किलो। वो 80? ये 100 रुपए किलो। ये भी 100? ये 100 से लेकर 80 तक देना पड़ेगा। ये वाली? ये भी यही है। ये भी यही है। 100 रुपए 80 रुपए, 100 रुपए 80 रुपए। आलू प्याज बेच रहे हैं? क्या हिसाब है आलू प्याज? है 130। ये पंजाब के उखाड़े हैं। प्याज के हिसाब? प्याज 130 रुपए किलो। 130 रुपए किलो, 80 वाली बहुत जबरदस्त क्वालिटी। ये देखो ये आलू हम सब बनाते हैं, ऑर्डर का माल होता है सब। ऑर्डर का माल है। ये कितना है एक उसमें? ये 50 किलो का। 50 किलो तोल के बिल्कुल मुकम्मल। हाँ देखो अभी मुहारे वाला तोल दे। फायर स्टोर पे जा रहे हैं। फायर स्टोर कौन सी जगह पे? ये 3-4 ब्रांच है नया कराची में, गार्डन में, और एक 3-4 ब्रांच है उस किफाया स्टोर में जा रहा है भाई। ये क्या बोल रहे, बात समझ में नहीं है। ये 380 रुपए का यार, 380 बताया, 380 रुपए किलो ये बताया है। कौन से चैनल में आएगा भाई ये? आएगा मास्टर आई यूट्यूब पे आएगा ये। हाँ यूट्यूब पे आएगा। हाँ मेरा अपना है, मशहूर हो जाओगे। ये हमारा यूट्यूब का है। ये कटा हुआ आलू है, कटा पीटा आलू है। कटा पीटा आलू कैसा? ये कटा पीटा आलू है, 30-40 रुपए किलो बेचते हैं। 30-40 रुपए किलो। ये साफ 80 रुपए किलो है, वही है बताया। 30 रुपए किलो कटा हुआ है। हाँ वही है हमारा चैनल। कौन? क्या नाम है? मास्टर आइए। ये देखो ये क्या हाल है, बारिश होते सफाई नहीं होते भाई, मंडी में बहुत बुरा हाल आता है। हाँ बुरा हाल है। ये कीचड़ देखो मंडी में, एक दिन सफाई होगी तो कीचड़ तो होगा, एक दिन सफाई होते 10 दिन सफाई नहीं होते। हाँ ये हाल है ना, देखो मंडी का आप खुद देख रहे फेंक रहे। ये तो वो मार्केट कमेटी वाला का जिम्मेवारी है, ये क्या लेते है ये पीसी गाड़ी वाला से पैसा लेते? हाँ बहुत लेते हैं, 1000 रुपए भी लेते, 800 भी लेते, 300 भी लेते, 200 भी लेते। छोटे गाड़ी का पता नहीं कितना लेते सुजुकी वाला का। हमारे को, हम तो काम करते हैं, मजदूरी कर रहे हैं।
बड़ा मोबाइल से आएगा यार, आप बड़े मोबाइल से वीडियो बनाओ। तो बड़ा मोबाइल नहीं है आपके पास? बड़ा मोबाइल नहीं, छोटा हमारे पास नहीं है। रोटी का पैसा नहीं बनते? पाकिस्तान है, पाकिस्तान है। तो बड़ा मोबाइल लो तो हमारा चैनल देखोगे ना। पैसा नहीं हमारे पास, किधर से लेवे? नहीं नहीं, पैसा नहीं है, किधर से लेवे? लोग लोग भूख से मरते मर गए पाकिस्तान में। एक मोबाइल भी इसके लिए खरीदो, इसके लिए मोबाइल खरीदना है। अच्छा, मैं मोबाइल खरीद के दूंगा तो देखोगे? तो वह करेगा तुम्हारे लिए। तो कितनी दफा वीडियो देखोगे हमारी? हम मोबाइल लेके दोगे रोज? रोज देखिएगा खुशी, जब तुमने मोबाइल लाया। रोटी का पैसा पाकिस्तान में नहीं बनते, तुम मोबाइल का बात करते हैं बच्चा। तोरी क्या हिसाब चल रही है? हाँ भाई, 40 रुपए किलो, जबरदस्त। अच्छा एक मिनट, और ये बैंगन क्या हिसाब चल रहा है सर जी? बैंगन क्या चल रहा है? 120 रुपए का बैंगन, 120 है। और ये अरबी, अरबी क्या चल रही है?